हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। नमस्ते दोस्तों, जयास किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको साबूदाने की खीर की रेसिपी बताएंगे जो कि बहुत ही पौष्टिक होते हैं। हेल्थ बढ़ाने के लिए भी ये बहुत ही अच्छी चीज है साबूदाने, और साबूदाने प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स है। तो आज देखिए हम साबूदाने की खीर कैसे बनाते हैं। फ्रेंड्स, हमने एक बाउल साबूदाने लिए हैं। साबूदाने ऐसे मीडियम साइज के होने चाहिए, और इनको बनाने से पहले इन्हें हम आधा घंटा भिगो कर रखेंगे। उससे पहले जो इस पे स्टार्च लगा होता है उसके लिए हम इसको 2 या 3 पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। यह हमने साबुदानों को धो लिया है। इन्हें हम 10-15 मिनट रख देंगे ताकि ये थोड़े सॉफ्ट हो जाए। साबुदाने की खीर में हमको जो हमने साबुदाने लिए हैं उसकी क्वांटिटी के हिसाब से 1 कटोरी शक्कर, आधा लीटर दूध जो एक बार गर्म करके रखा हुआ है, खीर के लिए कच्चा दूध नहीं लेना है, एक बार उबला हुआ हो, थोड़ा सा हमने ड्राई फ्रूट पिसा हुआ जिसमें बादाम, पिस्ता और केसर और इलायची, ये हम खीर में काम में लेंगे। इसमें हम जरा सा घी डालेंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। इस घी को हम पतीले के पैंदे में फैला लेंगे। अब हमने जो साबुदाने रखे थे उसको हम पतीले में डालेंगे। गैस को सिम रखेंगे। अब जो ये दूध था वो हम इन साबुदाने में डाल देंगे। इस तरीके से दूध और साबुदाने साथ साथ उबलते रहेंगे। घी लगाने से दोस्तों हमारे ये साबुदाने पतीले में चिपकेंगे नहीं और उसका टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। इसको हम व्रत में खा सकते हैं और ये खाने में भी बड़ी स्वादिष्ट होती है और ये पौष्टिक भी है। दोस्तों, आज मदर्स डे भी है और ये खीर मैंने स्पेशली मेरी मम्मा के लिए बनाई है, बट मैं मम्मा को जाके वहाँ खिला तो नहीं सकती क्योंकि गवर्नमेंट के ये आदेश हैं कि घर से बाहर ना निकलें, पर मैं अपनी रेसिपी बना के मम्मा को ये कहना चाहती हूँ कि मम्मा प्लीज़ आप भी आज ये घर पे ज़रूर खाएं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि उनको चावल की खीर पसंद नहीं है। शुरू से उन्होंने साबूदाने की खीर को ही पसंद किया है, वो ये खीर बड़े शौक से खाती है। इस तरीके से खीर उबलना शुरू होने वाली है और हम इसे बराबर हिलाते रहेंगे जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। जब ये दूध उबलने वाला हो तो गैस को बिल्कुल धीरे कर दीजिए ताकि ये दूध बाहर ना आए। खीर को तब तक हिलाते रहिए धीमी आंच पर जब तक के साबुदाने सॉफ्ट नहीं हो जाए। धीरे धीरे साबुदाने ऊपर आने लगेंगे और इनको ये मतलब इनका कलर जो है एकदम सफेद की जगह धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट होता जाएगा। 5-10 मिनट इसी तरीके से इसे उबालते रहिए। पकने के बाद ये साबुदाने का कलर देखिए ट्रांसपेरेंट जैसा हो गया है, एकदम सफ़ेद नहीं दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि साबुदाने पकना शुरू हो गए हैं और लगभग पक गए हैं। अब इसी तरीके हिलाते हुए ये हमने जो एक बाउल शक्कर ली थी वो खीर में डालेंगे। ये देखिए साबुदाने ट्रांसपेरेंट होकर ऊपर तैरने लग गए हैं, खीर गाढ़ी होने लग गई है। ये देखिए साबुदाने भी ऊपर आ गए हैं। इलायची के दानों को हमने निकाल लिया है कवर में से, कवर अलग कर देंगे। केवल दानों को अच्छे से पीस के तैयार रखेंगे क्योंकि खीर बनने के बाद डेकोरेशन के लिए ड्राई फ्रूट, इलायची पाउडर, केसर
इसका हमें यूज करना है। साबूदाने पकने के बाद इस तरीके से फूल जाएंगे और इन्हें दबाकर देखिए ये सॉफ्ट भी हो गए हैं। ये देखिए खीर के अंदर थोड़ा सा इलायची पाउडर, थोड़ी सी केसर, थोड़ा ड्राई फ्रूट्स पिसा हुआ, ये सारी चीजें डालेंगे जिससे कि खीर और ज्यादा टेस्टी हो जाएगी। केसर से जैसे कि आपको पता है कि खीर का कलर चेंज हो जाता है, ड्राई फ्रूट हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं और इलायची से खीर की खुशबू लाजवाब हो जाएगी। खीर हमारी तैयार हो गई है। इसको 5 मिनट हम ऐसे ही गैस बंद करके छोड़ देंगे। ये देखिए हमारी लाजवाब खीर तैयार है। चाहे तो आप इसे गर्म भी सर्व कर सकते हैं और चाहे तो इसको ठंडा करके फ्रिज में रख कर ठंडी भी सर्व कर सकते हैं। दोस्तों आपको साबूदाने की खीर की रेसिपी कैसी लगी? प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर कीजिए। ये खीर सभी के लिए फायदेमंद है, खास करके महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाएं ज़्यादातर व्रत उपवास करती रहती है। उनको ये सोचना पड़ता है कि इस व्रत और उपवास में वो क्या खाएं। ये एक ऐसी रेसिपी है जो सिर्फ 10 से 15 मिनट में तैयार हो जाती है और सभी को ये अच्छी भी लगती है। खास करके मदर्स डे के लिए मैंने ये खीर बनाई है। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू।